हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तनूज लाइब्रेरी हब। आज की वीडियो में हम भारती कॉलेज की तरफ से आए एक नोटिस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप भारती कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। सो प्लीज़ विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ भारती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फ्रेंड्स, भारती कॉलेज की तरफ से ये नोटिस पब्लिश हुआ है जो कि 28 अप्रैल 2022 को पब्लिश हुआ है। भारती कॉलेज इज़ गोइंग टू होल्ड द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग परमानेंट पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ एज पर द डिटेल्स गिवन। फ्रेंड्स, ये जो नोटिस है आपके जो अपकमिंग रिटन एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसकी रिगार्डिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन आपके वेरियस काइंड्स ऑफ पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन होगा। फॉर 15 मई 2022 को आपको कंप्यूटर लैब अटेंडेंट के लिए एग्ज़ाम होगा। इसके लिए इन्होंने टाइमिंग 10 AM to 1 PM दे रखा है। एंड 15 मई 2022 वही आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट का एग्ज़ाम होगा। इसके लिए टाइमिंग 2 PM to 5 PM है। एंड द सेम डेट फॉर जूनियर असिस्टेंट। फ्रेंड्स, इसके लिए आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का जो टाइमिंग है वो 10 AM to 1 PM है एंड पेपर 2 के लिए टाइमिंग 2 PM to 3:30 PM है। सो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा। और ये कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट्स भी दिए हैं जो कि इस प्रकार है। द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन इज़ अवेलेबल ऑन कॉलेज वेबसाइट। फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम होगा इसमें ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स ही कंसिडर किए जाएंगे, जिसके लिए इन्होंने जो लिस्ट है वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, सो आप अपना कैंडिडेचर चेक कर लीजिएगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड यूजिंग देयर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पोस्ट एट द लिंक web.rcdu.in/index.php। फ्रेंड्स, ये जो लिंक दे रखा है इसके हेल्प से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। द एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल बिफोर 3 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन ऑन द अबव मेंशन्ड लिंक। जो आपका एग्ज़ाम होगा उससे 3 डेज पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। सो प्लीज़ डाउनलोड योर एडमिट कार्ड बिफोर 3 डेज ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन। Kindly note that your candidature can be cancelled at any stage of the selection process if you are found ineligible for the said post at any stage of the selection process. The time and examination center in Delhi of the written examination will be displayed on the admit card. No TADA will be given you. Friends, इसके लिए आपको कोई भी TADA नहीं पे किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। प्लीज़ आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिएगा एग्ज़ाम्स के लिए। और हैप्पी सभी को मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।